लेकिन सर मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, तस्वीरें वायरल है। बना तो लिए, अब उसके बाद क्या घंटा वहीं बजाएंगे? हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? तो सर जाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात है, जो टेलीविजन में बैठ कर टेक्नोलॉजी से पाए पाए किए रहता है, उसको बोलिए कि महाभारत का संजय वाला दूरबीन ले आए, वही से मीडिया चलावे। तो वो तो राम मंदिर के नाम पर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सत्ता में हुकूमत में जिनको आना था हुकूमत में आ चुके हैं, जो संस्थाओं पे कब्जा करना था वो कर चुके हैं, तब बाबा लोग की जरूरत नहीं, इसलिए वो अपना मठ में बैठ के अपना जो प्रवचन देना है वो प्रवचन देते रहे, उनका काम खत्म। बाबा लोग और मोदी जी आपस में फैसला कर ले कौन है सही कौन है गलत। ये बाबा लोग जो इतने दिन से चला रहे थे आंदोलन, धर्माधिकारी बने हुए थे, तो अब बाबा लोग की क्या हैसियत है वही मोदी जी ने दिखा दिया। होगी जगदेव बाबू की होगी, यहाँ की बहुसंख्यक आवाम वो शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य से दूर है, रोजगार से दूर है, हर जगह दूर है। दूसरी दमन चक्र जो चल रहा है, ये जो आइदर एग्री विथ अस, हमसे सहमत हो और नहीं तो जेल भेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल है, शंकराचार्य सब नाराज हो गए हैं। अब शंकराचार्य लोग का जो काम था वो पूरा हुआ, वो जो वो मसाल लेके दौड़ते नहीं है, हाँ। या आपको 50 मीटर तक जाना है, आप 50 मीटर बाद दूसरा जो है पकड़ लेगा, तो वो जो चला रहे थे पूरा लीला, तो उनका काम खत्म हो गया। राम मंदिर के नाम पर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सत्ता में हुकूमत में जिनको आना था हुकूमत में आ चुके हैं, जो संस्थाओं पे कब्जा करना था वो कर चुके हैं, तब बाबा लोग की जरूरत नहीं, इसलिए वो अपना मठ में बैठ के अपना जो प्रवचन देना है वो प्रवचन देते रहे, उनका काम खत्म। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो हम ताली बजाने के लिए वहाँ जाएंगे, और क्या, तो और उनका काम क्या है? ताली ही बजाना पड़ेगा ना। इतना दिन से ये सोच में नहीं आ रहा था कि कौन उद्घाटन करेगा, वही बता देना कि धर्मशास्त्रों के हिसाब से उद्घाटन किसको करना चाहिए। मेरी दिलचस्पी तो एकदम मंदिर मस्जिद में नहीं, लेकिन तो दिलचस्पी कहीं और। तो फिर वो काम कर रहे हैं ये बाबा लोग से ही पूछिए, बाबा लोग बोलेंगे। हाँ, तो बाबा लोग और मोदी जी आपस में फैसला कर ले कौन है सही कौन है गलत। ये बाबा लोग जो इतने दिन से चला रहे थे आंदोलन, धर्माधिकारी बने हुए थे, तो अब बाबा लोग की क्या हैसियत है वही मोदी जी ने दिखा दिया, उनकी हैसियत भी दिखा दी बाबा। मोदी जी पिछड़े हैं, इस वजह से लोगों को पच नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है, मोदी जी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पिछड़े हैं तो शूद्र हुए, और शूद्र वहाँ मुख्य अतिथि होगा, और बाबा लोग शंकराचार्य लोग ताली बजाएंगे तो समझिए मनुस्मृति में प्रहार हो रहा है। कह रहे अधूरा मंदिर है, मोदी जी गलत कर रहे हैं बिल्कुल। ये अब चुनाव का समय है ना, वो मंदिर है और ये थोड़ी, वो तो राजनीति है, उसी के दम पे एक मुद्दा था इनके पास 80 के दशक में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, उसी से सत्ता में आए हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट लेना चाहिए था हमारे हिसाब से, तो ये सरकार की वजह से तो बना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। तो वहाँ के चीफ जस्टिस उस समय थे कोई गोगोई साहब, आजकल राज्यसभा में हैं, उनको तो मुख्य यजमान बनाना चाहिए था, और बाकी जो बेंच में है उनको जो उप यजमान बनाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट में सर मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, तस्वीरें वायरल है। बना तो लिए, अब उसके बाद क्या घंटा वहीं बजाएंगे? हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? तो सर जाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात है, जो टेलीविजन में बैठ कर टेक्नोलॉजी से पाए पाए किए रहता है, उसको बोलिए कि महाभारत के संजय वाला दूरबीन ले आए, वही से मीडिया चलावे। तो वो तो कह दिए कि जो मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको चेक करना, कभी किसी दिन हॉस्पिटल में दिख जाए तो वीडियो जरूर बनाना उसका, पूछना कि बेटा बच्चे उसे कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं। टाइम पर उन्होंने तस्वीर साझा की थी अपनी, चलिए आप वहाँ कैमरा लगा के रखना, और मुझे बताओ, मैं जाता हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, अगर मैं दक्षिण भारत जाता हूँ तो हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, तो बौद्ध मठ में भी जाएंगे, स्तूप भी देखने जाते हैं, मंदिर का आर्किटेक्चर भी देखने जाते हैं, कभी मेरा फोटो बता दो कहीं पूजा करते हुए, कर्मकांड करते हुए। कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया इसका, ठीक तो है वो मंदिर है, वो अगर आस्था का प्रश्न है तो थोड़े जिस दिन उद्घाटन है उसी दिन जाएंगे तो उसी दिन रामलला मिलेंगे, जिनको आस्था है वो तो पहले भी जा सकते हैं, बाद भी जा सकते हैं। तो ये टर्म एजेंडा जो है बीजेपी आरएसएस थोड़ी सेट करेगा कि इसी दिन आएंगे तो आप हिंदू होंगे। अरे तरह तरह के हिंदू हैं भारत में, है ना, वो कापालिक है, काला मुख है, सैव है, वैष्णवाइट है, तरह तरह के हिंदू हैं, तो सब आरएसएस जो है और बीजेपी एजेंडा तय थोड़ी करेगा, जिनको मन होगा बाद में भी चला जाएगा, जिनको नहीं मन है अपना घर में रहो। लेकिन लेकिन सर मीडिया तो कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस बना है सारे बायकॉट कर दिया है।
ठीक तो किया है, राम विरोधी उनके कहने से हो जाएगा। तरह तरह के राम है, 300 रामायण है इस देश में। राम एक तरह का, आरएसएस बीजेपी का राम अलग है, उनके लिए राम जी का भी काम अब हो जाएगा। चुनाव अगर इसके नाम पे लड़ लेंगे उसके बाद पता लगा कि राम जी को भी साइडलाइन कर सकते हैं, जैसे शंकराचार्य को साइडलाइन कर दिया। 22 तारीख को दीपावली मनेगी पूरे देश में, सौ देशों में मनाया जाएगा इसका राम उत्सव। अरे हमारे लिए तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली है, और क्या है। बीजेपी के समय ही अस्पताल और शिक्षा स्वास्थ्य याद आ रहा है, जब उससे पहले सरकारी थी तब क्या था? तो सरकार को नहीं पता कि उसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे, तो हम लोग सड़क पे ही थे। हम किसी पार्टी के थोड़ी एजेंट हैं। इनके समय में क्या हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिख नहीं रहा है कि एक क्रिमिनल केस जिसमें वो चार्जशीटेड है वो अमेरिका घूम रही है, और एक दलित लड़की रितु सिंह है वो धरना पे बैठी है, पुलिस कितनी बर्बरता से उठाई है, दिख नहीं रहा। ऐसे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने साल से जुड़ा हुआ, 30 साल से ज्यादा से जुड़ा हुआ। पहले भी आंदोलन होते थे, भाई चांसलर घेरा होता था, धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन कभी इस तरह की तानाशाही हम लोगों ने विश्वविद्यालयों में नहीं देखी, जहां हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग लग गया है, किलेबंदी हो रही है। विश्वविद्यालय तो खुला रहना चाहिए था ना, खुला रहना चाहिए था। सर एक राजमान हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जिनके लिए ठीक होगा उनके लिए चांदी है, कुछ लोगों का तो जरूर ठीक हो जाएगा, जिनका उनसे जो है बिजनेस चलता है उनका ठीक हो जाएगा, जिनको उससे पैसा मिलता है उनका ठीक हो जाएगा, जो उससे सत्ता में आना चाहते हैं उनका ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी आम जनता का क्या है, ये तो आप सबके सामने है, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। सर एक सवाल ले, एक सवाल रहे हैं कि मोदी जी जो है मंदिरों को लूट रहे हैं, उनकी तिजोरियों पे कब्जा कर रहे हैं। देखिए कौन सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी के सांसद भी उनको एक दिन प्रेस वार्ता करके विस्तार से इस पे प्रकाश डालना चाहिए कि कौन कहां कब्जा। अच्छा सर, क्या लग रहा है जिस तरह से पुलवामा हमले के ऊपर जो वोट मांगा गया था, मोदी जी ने वोट मांगा है, उसी तरह से अगर राम मंदिर उद्घाटन हुआ है क्या इस पर भी वोट मांगा जाएगा? जाहिर है वोट के लिए ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, नहीं तो मंदिर का काम पूरा नहीं, उद्घाटन क्या हड़बड़ी क्या है, उद्घाटन ही क्या हड़बड़ी है, तो ये राजनीति ही है विशुद्धता। तो क्या नाम पे वोट?